साथियों नमस्कार, मैं आशुतोष शर्मा लीगल टीम लखनऊ से आज आप लोगों के समक्ष लाइव आए हैं सुप्रीम कोर्ट में फाइल होने वाली एसएलपी के बारे में एक महत्वपूर्ण अपडेट के साथ। साथियों, जैसा कि आपको पता होगा कि माननीय हाई कोर्ट लखनऊ की डबल बेंच से आए फैसले के खिलाफ हम लोग उस फैसले को चुनौती देने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय जाने वाले हैं, जिस संदर्भ में आप लोगों को पहले से ही बताया जा चुका है। कल भी इसके बारे में अपडेट दी गई थी कि लीगल टीम लखनऊ की एसएलपी बिल्कुल तैयार है, पूरी है। हमने कल अपने सीनियर अधिवक्ता के माध्यम से तैयार की गई एसएलपी को भी उनके साथ कंसल्ट किया, उनके द्वारा भी हमारी एसएलपी को फाइनल टच दे दिया गया है, अर्थात हमारी एसएलपी तैयार है, हम उसको किसी भी दिन फाइल कर सकते हैं। फिर हम आपको कल लेके चलेंगे, अर्थात जो कल दिन बीत गया, क्योंकि लीगल टीम लखनऊ जो गलती कुछ लोगों के द्वारा या हम लोगों के द्वारा जो भी स्थितियां परिस्थितियां रही, जो गलती हाईकोर्ट लखनऊ की डबल बेंच में हुआ, लीगल टीम लखनऊ नहीं चाहती है कि वही गलती सेम गलती माननीय सर्वोच्च न्यायालय की चौखट पर दोहराई जाए, जिससे 68,500 शिक्षक भर्ती से जुड़े हुए सभी लोगों के लिए प्रतिकूल प्रभाव पड़े, अपने केस के लिए प्रतिकूल प्रभाव पड़े। इसलिए लीगल टीम लखनऊ द्वारा जितने भी टीमें माननीय हाईकोर्ट लखनऊ में केस लड़ रही थी, उन सभी से आपसी सामंजस्य बिठाने के लिए बात की गई थी। कुछ लोगों से बात हुई थी, कुछ लोगों से बात नहीं हुई थी, इसलिए पोस्ट के माध्यम से लीगल टीम लखनऊ का पक्ष रखने के लिए एक पोस्ट भी डाली गई थी, ताकि सभी जो पैरवीकार हैं हमारे उन तक अपनी बात पहुंचा दी जाए। क्योंकि 68,500 शिक्षक भर्ती से जुड़े हुए जितने भी साथी हैं, चाहे वो किसी भी टीम से जुड़े हों, उनको ये कहना था कि सारी टीमें जो टीमें लड़ रही हैं वो एक मंच पर आकर केस लड़ें। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हमने जब अपनी एसएलपी तैयार कर ली, तो लीगल टीम लखनऊ ने निर्णय लिया कि जो गलती हाईकोर्ट लखनऊ की डबल बेंच में हुआ, वो गलती सुप्रीम कोर्ट में भी ना हो। इसलिए जितने भी टीमें लड़ रही हैं या अन्य जो नई टीमें एसएलपी लेकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय की चौखट पर जाना चाहती हैं, उन सभी लोगों से अनुरोध किया गया कि आप लोग अपनी रणनीति बनाएं, और जो भी आपकी रणनीति बन चुकी हो उसको आपस में साझा करें, ताकि जितनी भी एसएलपी हैं 68,500 शिक्षक भर्ती में 30-33 के पक्ष में, वो सभी एसएलपी एक साथ दाखिल हों, ताकि जब सारी एसएलपी एक साथ दाखिल होंगी तो सभी एसएलपी एक साथ कोर्ट में जाएंगी, एक साथ बंच बन के चला आएगा, इसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर हम लोग एक के बाद एक दूसरी एसएलपी दायर करेंगे तो कहीं ना कहीं मान लीजिए वो एसएलपी किसी दूसरी के केस में चली जाए, या आपकी एसएलपी या किसी के द्वारा दायर की जाई एसएलपी जो है देर से माननीय सर्वोच्च न्यायालय में आए, तो ये कहीं ना कहीं 68,500 शिक्षक भर्ती के लिए ठीक नहीं है। इसलिए सभी टीमों से बात करने का कोशिश किया गया, सामंजस्य बिठाने का कोशिश किया गया, पहल की गई कि 68,500 शिक्षक भर्ती की जितनी भी एसएलपी हैं वो सब एक साथ दाखिल हों। इसके लिए सब अपनी अपनी रणनीति बताएं, अगर आवश्यकता होगी तो हम लोग कहीं भी बैठ करके आपस में चर्चा करके इस पर भी मंथन कर लेंगे कि कैसे कैसे हम लोग एसएलपी दायर करें, ताकि एक साथ एसएलपी दायर हो और एक ही कोर्ट में जाएं और बंच बने, ताकि जिस दिन सुनवाई हो उस दिन सभी एसएलपीज पर सीनियर मौजूद रहे। क्योंकि आप जानते हैं कि हाई कोर्ट की सिंगल बेंच और डबल बेंच से हम लोग फैसला हम लोगों के अगेंस्ट आया है, हम लोग हार चुके हैं, इसलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पूरी मजबूती के साथ हमें उतरना होगा। हमने अपनी एक पहल की, कुछ टीमों से बात की गई, उन्होंने बताया भी था कि हाँ भाई हम तैयार हैं, हमारी एसएलपी लगभग तैयार है, लेकिन कुछ इशू रह गए हैं, वो शनिवार को अपने अधिवक्ता से डिस्कस करके
उसको सॉर्ट आउट करने वाले थे। कहा था कि उनसे मिलके जैसा भी होगा, वो आज के लिए बताया गया था कि सोमवार को अगर हम फाइल करेंगे तो आपको हम अवगत कराएंगे। उनके द्वारा यह भी कहा गया कि हम फाइल कर लेंगे तब आपको बता देंगे। तो मैंने उनको कहा भैया फाइल कर लेंगे तब मत बताइएगा, फाइल जब करना है जिस दिन बताइएगा उस दिन सब लोग एक साथ फाइल किया जाएगा, क्योंकि हमारी एसएलपी बिल्कुल तैयार है, हमें केवल देरी इस बात की है, इस बात का इंतजार किया जा रहा है कि सबकी एसएलपी एक साथ दायर हो। उनके द्वारा हालांकि ये चीज बताई गई थी कि हम आपको अवगत कराएंगे, लेकिन शनिवार के बाद से हम लगातार उनसे संपर्क करना चाहते हैं, किसी भी प्रकार का संपर्क नहीं हो पा रहा है, फोन नहीं उठाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है उन साथियों के मन में हो कि हम जो है एक साथ एसएलपी नहीं दायर करेंगे, जो भी कारण रहे हो इस पे हम नहीं जाना चाहेंगे। आज तक का समय है, जितने पैरवीकार हैं, जो हाईकोर्ट लखनऊ की डबल बेंच में केस लड़े, सर्वोच्च न्यायालय जो जाना चाहते हैं, वो कब फाइल कर रहे हैं, कृपया हो सके तो आपस में डिस्कस करके एक साथ एसएलपी फाइल करने के लिए जरूर सोचिएगा। और जिन लोगों से बात हुई थी उन्हीं के टीम से या उनकी टीम से जो लोग जुड़े हुए हैं, बहुत सारे साथी उनके द्वारा जैसे ही मेरे द्वारा पोस्ट डाली गई उसके बाद से ही फोन आने लगे। उनका ये कहना था, तीन चार लोगों ने फोन किया, उनका ये कहना था भैया लीगल टीम लखनऊ से वो लोग एक साथ फाइल इसीलिए नहीं करना चाहते हैं क्योंकि उनको लगता है कि अगर उनकी एसएलपी तैयार होगी वो लोग मतलब हम लोग लीगल टीम लखनऊ उनकी एसएलपी देख लेगी तो हम लोग भी उनकी एसएलपी को जो है कॉपी करेंगे। तो साथियों जितने भी लोग केस लड़ रहे हैं वो एक बात तो अच्छी तरीके से जानते ही हैं, चाहे आपका सिंगल बेंच रहा हो चाहे डबल बेंच रहा हो, लीगल टीम लखनऊ ने किसी के एसएलपी कट पेस्ट नहीं की, कॉपी नहीं की। तो इस गलत फहमी में यदि कोई रह रहा हो कि हम लोग एसएलपी आपकी देखेंगे, आपकी एसएलपी हम जो है देख करके फाइल करेंगे, तो कृपया करके ये गलत फहमी अपने अंदर से बिल्कुल निकाल दीजिए, क्योंकि हमारी एसएलपी बिल्कुल तैयार है। आप हमें मत दिखाइए एसएलपी अपनी, केवल आप ये बता दीजिए हम इस दिन फाइल करेंगे, आप भी उस दिन फाइल कर दीजिएगा, बस इतनी सी बात है। लेकिन बहरहाल जो भी मैटर रहा हो, उन लोगों के द्वारा कोई भी शनिवार के बाद कोई अपडेट नहीं दी गई, हालांकि हमने बार बार काल से बात करने की कोशिश की लेकिन फोन नहीं उठाया गया। दोपहर में आज कॉल किया तो एक मैसेज आया, कैन यू कॉल आफ्टर सम टाइम, मतलब जो कॉल जाती है तो जो मैसेज आता है लिख के उसको क्लिक करके आता। मुझे लगा उन्होंने कहा होगा, शायद उनकी मंशा यह रही हो कि आप क्या बाद में कॉल कर सकते हैं, तो हमने उस मैसेज को रीड करने के बाद भी फोन किया लेकिन फोन नहीं उठा, अभी तक कोई संपर्क नहीं हो पाया। इसलिए अब लीगल टीम लखनऊ अपनी रणनीति के तहत काम करे, या फिर आप लोग एक साथ एसएलपी तैयार करना चाहते हैं, जैसा कि हमने सभी से इसके लिए अपील भी की है कि सब एक साथ दायर करें। अगर कोई एक साथ एसएलपी नहीं दायर करना चाहता है तो भी आप लोग स्वतंत्र हैं, किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता। तो हम अपने रणनीति के तहत अपनी एसएलपी दायर करेंगे, फिर बाद में कोई ये मत कहिएगा कि आप ही ने अकेले क्यों दायर कर दिया, आपने हमें बताया क्यों नहीं। जितने भी साथी वीडियो देखेंगे वो सब साथी कृपया एक बार विचार जरूर करेंगे, अगर साथ दायर करने का अपील ये सही है तो एक साथ ही दायर की जाए तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि हम लोगों की टीमें अलग हैं, जरूर अलग हैं, हम लोगों में आपसी मतभेद हो सकता है, हुआ है समय समय पर, जो भी चीजें हुई हैं बेबाक तरीके से बताई गई है। लेकिन मुझे लगता है जो लीगल टीम लखनऊ का अपना ओपिनियन है कि 68,500 शिक्षक भर्ती से बढ़कर 68,500 शिक्षक भर्ती में जितने अभ्यर्थी पार्टिसिपेट किए हैं उनके हित से बढ़कर हम लोगों का ईगो नहीं है, हम लोगों की कोई व्यक्तिगत जो समस्या है नहीं हो सकती। हमारी समस्या किसी व्यक्ति विशेष से हो सकती है, लेकिन जो 68,500 में
30-33 पर पास हैं, उन अभ्यर्थियों के जहां हित का मामला आ जाएगा तो वहां हम सारी चीजें भूल करके हम उनके साथ खड़े हैं। तो आज की लाइव आने का मतलब यही था कि हमारी जो अपील है वो बिल्कुल तैयार है। हमें किसी के द्वारा भी, जिनसे बात हो रही थी उनके द्वारा या जिनसे बात नहीं हुई उनके द्वारा या जो कल मैसेज देखे थे लेकिन फिर भी कोई रिप्लाई नहीं आया उनके द्वारा, अभी तक हमारी टीम से कोई संपर्क नहीं किया गया, नहीं बताया गया कि हम एक साथ फाइल करेंगे या नहीं करेंगे। इसलिए आज रात तक का समय है, कृपया करके हो सके तो ये जरूर बताने की कोशिश करिएगा कि हम किस दिन फाइल करेंगे ताकि सब लोग एक साथ दायर करें। यदि आज रात तक किसी का कोई मैसेज नहीं आता है तो ये मान लिया जाएगा कि जितने भी पैरवीकार हैं जो पहले हाईकोर्ट लखनऊ की डबल बेंच में लड़े या जो नए जा रहे हैं वो एक साथ दायर नहीं करना चाहते, इसलिए लीगल टीम लखनऊ अपने हिसाब से अपनी रणनीति के तहत एसएलपी दायर करेगी। फिर बाद में कोई ये मत कहना कि हमें जो है इसकी जानकारी नहीं थी। आज की लाइव आने का मोटिव केवल और केवल यही था कि एसएलपी एक साथ दायर की जाए, और एसएलपी एक साथ दायर करने के लिए लीगल टीम लखनऊ ने क्या प्रयास किए इनको बताने के लिए, फिर प्रयास करने के बावजूद उसका निष्कर्ष क्या रहा, जिस समय हम वीडियो बना रहे हैं उस समय तक निष्कर्ष क्या रहा ये बताने के लिए हम आप सभी के सामने लाइव आए हैं, अपनी बात रखने आए हैं। और बहुत सारे साथियों के और भी फोन आए कि केस को जल्दी फाइल किया जाए, तो भैया केस को जल्दी फाइल किया जाए इसका मतलब ये नहीं है कि हम बिना तैयारी के केस फाइल कर देते, लेकिन आज की स्थिति में हमारी एसएलपी बिल्कुल तैयार है। जिस दिन सारे लोग बता देते, अगर आज शाम तक बता देते किस दिन फाइल करेंगे तो उस दिन हम दायर कर देंगे, इसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बात वही है निकल के कि अभी तक कोई संपर्क नहीं हुआ, इसलिए लीगल टीम लखनऊ अपनी ही रणनीति पे काम करने के लिए बाध्य होगी। धन्यवाद, शुभ रात्रि, और जो भी अपडेट होगी समय समय पर आप लोगों को दी जाएगी। शुभ रात्रि।